आजादी के संघर्ष में सपनों को भी संजोया है, भारत के भव्य रूप को भी उन्होंने मन में अंकित किया है। और आजादी के कई वर्ष पहले तमिलनाडु के राष्ट्रकवि सुब्रमण्यम भारती ने अपने सपनों को शब्दों में पिरोया था और उन्होंने लिखा था, एलारूम अमर निलियई आईडूम नन मुरैयई इंडिया अलीगिरी को अलीकुम, इंडिया उलागिरी को अलीकुम, यानी कि भारत, उन्होंने आजादी के बाद क्या सपना देखा था, सुब्रमण्यम भारती ने कहा था, भारत पूरी दुनिया के हर तरह के बंधनों से मुक्ति पाने का रास्ता दिखाएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इन महापुरुषों के सपनों को पूरा करने के लिए आजादी के सेनानियों की इच्छाओं को परिपूर्ण करने के लिए, देश के कोटि कोटि जनों की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए आजादी के बाद पूज्य बाबा साहब आंबेडकर जी के नेतृत्व में भारत ने एक समावेशी संविधान का निर्माण किया। यह हमारा समावेशी संविधान एक नए भारत के निर्माण का संकल्प लेकर के आया है, हमारे लिए कुछ जिम्मेवारियां लेकर के आया है, हमारे लिए सीमा रेखाएं तर करके कर आया है, हमारे सपनों को साकार करने के लिए समाज के हर वर्ग को, हर तबके को, भारत के हर भूभाग को समान रूप से अवसर मिले आगे ले जाने के लिए, उसके लिए हमारा संविधान हमें मार्गदर्शन करता रहा है।